एंड वेलकम टू माय चैनल क्वेश्चन बैंक। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को लड्डू गोपाल जी के लिए एक बहुत ही सुंदर सी ट्रैवलिंग टोकरी बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिए एक इस तरीके की वुडन बास्केट एंड उसके ऊपर यहाँ पे किस तरीके का हैंडल लगा हुआ है, ये मैंने वायर के थ्रू बनाया है। मैंने सबसे पहले वायर को कुछ इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लिया एंड उसके बाद मैंने इसके ऊपर पतला वाला गोटा लपेट दिया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, किस तरीके का फोम का पीस लेना है एंड इसको कुछ इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब इसके बाद जो मेरा बास्केट है मैं उसके अंदर इसको अच्छे से कुछ इस तरीके से सेट करूँगी। इस ट्रैवलिंग टोकरी में मैंने यहाँ पे फोम का इसलिए यूज़ किया है क्योंकि फोम बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है एंड ये बहुत लाइट वेटेड भी है। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने फोम लिया है और उसको इस तरीके से कट कर लिया है। आपको फोम को अपने बास्केट के हिसाब से ही कट करना है एंड ये है मेरा क्लोथ पीस जिसके ऊपर मैं इस फोम को रखूँगी एंड उसके बाद यहाँ पर हमें स्टिच लगाना है। तो अब हम स्टिच लगाएंगे। मैंने यहाँ पर नेट के कपड़े का यूज़ किया है, आप किसी भी तरह के क्लोथ का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। देखिए इस तरीके से हमें पूरे में स्टिच लगाना है कि मैंने इसके कॉर्नर्स पे अच्छे से स्टिच लगा लिया था। अब इसके बाद मैं एक थ्रेड की मदद से इसको इस तरीके से खींचूंगी। तो अब मैं इसको टाइट कर दूंगी। तो देखिए मैंने इसको पीछे से अच्छे से टाइट कर लिया है। अब मैं अपनी बास्केट के अंदर इसको अच्छे से फिट करूंगी। थोड़ा सा हमें इसको प्रेस करना है कॉर्नर से अच्छे से एकदम। तो पिलो बनाने के लिए आपको क्या करना है, दो तरफ से आपको इसको स्टिच करना है एंड उसके बाद जो एक साइड आपका ओपन होगा उससे आपको फोम डालना है इसके अंदर। आप चाहें तो कॉटन भी डाल सकते हैं बट मैंने इसमें फोम का यूज़ किया और जो एक हमारा साइड खुला था जहाँ से हमने फोम डाला था उसको भी हमें एंड में स्टिच कर देना है। तो देखिए मैं इसके कॉर्नर के डेकोरेशन करूँगी इस तरीके की गोल्डन लेस की मदद से। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन लगाऊँगी एंड उसके बाद अपनी लेस को मैं इस तरीके से कॉर्नर से पेस्ट करूँगी और जो ये हमारा कोने का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचा है इसको मैं पीछे की तरफ बेंड कर दूंगी। आप कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हैं इसके डेकोरेशन के लिए, मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर की लेस चूज़ की है। देखिए इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे लगानी है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे ग्लू लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपनी पिलो को भी इस तरीके से पेस्ट कर दूंगी। तो अब मैं क्या करूँगी, जो लेस हमने पिलो पर लगाई थी वही लेस हमें लेनी है एंड इसको मैं अपने बास्केट के हैंडल के ऊपर पेस्ट करूँगी। तो देखिए मैंने लेस के ही सेंटर पे ग्लू लगा दिया है ताकि मैं इसको इजीली पेस्ट कर सकूँ एंड इसके बाद मैं इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट करूँगी। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ आपको इसके डेकोरेशन के लिए क्या क्या यूज़ करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिए हैं मैंने मल्टी कलर के पॉम पॉम, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फोम फ्लावर्स, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएंगे। इस तरीके के दो हमें येलो कलर के फ्लावर्स लेने हैं एंड कुछ इस तरीके की लीव्स लेनी है। यहाँ पे थ्री थ्री लीव्स आपस में जॉइंट है, इनका यूज़ करूँगी मैं डेकोरेशन के लिए। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, अपनी लीव्स लूँगी एंड मैं इनके सेंटर पे कुछ इस तरीके से ग्लू गन लगाऊँगी और उसके बाद अपने पॉम पॉम्स को मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट करूँगी। आप जितनी भी लीव्स इसमें यूज़ करना चाहते हैं उन सब लीव्स के बीच में आप पॉम पॉम, हाफ कट पर्ल्स, जो भी चीज़ आपके पास हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं पेस्ट करने के लिए। देखिए मैं अभी सारी लीव्स के सेंटर पे इसको पेस्ट कर रही हूँ। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए अब मैंने कुछ लीव्स के ऊपर तो लगाए थे पॉम पॉम एंड अब कुछ लीव्स के ऊपर मैं लगा रही हूँ फोम फ्लावर्स। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फोम फ्लावर्स का यूज़ कीजिए इसके लिए, मैंने भी बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया है। तो अब जो ये मैंने लीव्स तैयार की है इनको मैं एक के बाद एक पेस्ट करूंगी। आप कैसे भी इनको पेस्ट कर सकते हैं, मैं एक के ऊपर एक को ओवरलैप करते हुए पेस्ट करूंगी कुछ इस तरीके से। देखिए ये जो है आप सावन के लिए भी इसको बना सकते हैं। ये ट्रैवलिंग टोकरी बहुत ही कम वक्त में तैयार हो गई है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगी ये बनने के बाद। देखिए इस तरीके से हमें एक के बाद एक को पेस्ट करना है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से कॉर्नर से पत्तियों की मदद से कवर कर लिया है। ये मैंने सावन के लिए तैयार की है इसलिए मैंने इसको ग्रीन कलर में बनाया है। इसके डेकोरेशन मैंने कम्प्लीटली ग्रीन लीव्स की मदद से की है बट आप इसको नॉर्मल यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। तो अब मैंने एक फ्लावर और एक लीव से यहाँ पर भी डेकोरेशन की है कॉर्नर में।
देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल जी की सुंदर सी ट्रैवलिंग टोकरी बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे मैंने किस तरीके की लीफ और पेस्ट की और इसके सेंटर पे मैंने पॉम्पॉम लगाया है। कम्प्लीटली इसको मैंने ग्रीन कलर में बनाया है बिकॉज ये मैंने सावन के पर्पज से बनाई है, अदरवाइज आप इसको डेली यूज़ के लिए भी बना सकते हैं। आप इसमें यहाँ पे अपने लड्डू गोपाल जी को बिठा के आराम से घुमा सकते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, वहाँ पे भी मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ एंड पिक्स अपलोड करती हूँ। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye. See you guys in my next video.